पावर इकोनॉमिक्स के विषय में, पावर प्लांट विषय के पावर प्लांट इकोनॉमिक्स टॉपिक पे चर्चा करेंगे। जब हम पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें पावर प्लांट में कौन कौन से कोर्स इन्वॉल्व होंगी उनकी स्टडी करते हैं। तो पावर प्लांट में जो कोस्ट आएगी वो कोर्स इस प्रकार है। सबसे पहले आएगी फिक्स्ड चार्जेज, सेकंड है सेविंग, थर्ड रनिंग चार्जेज। यहां पे जो अपन चार्जेज है वो फिक्स चार्जेज, सेमी फिक्स चार्जेज और रनिंग चार्जेज, इन तीन कैटेगरी में बांटा गया। जो फिक्स और सेमी फिक्स चार्जेज है वो चार्जेज उसके पावर प्लांट की ऑपरेशन पे डिपेंड नहीं करते, जो रनिंग चार्जेज है वो पावर प्लांट की ऑपरेशन की स्थिति पे डिपेंड करते हैं। जो सबसे पहले अपन लेते हैं फिक्स चार्जेज, फिक्स चार्जेज में जो फिक्स चार्जेज है वो ये डज नॉट वेरी विथ ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन के साथ चेंज नहीं होती। डीज कॉस्ट जिम फिक्स्ड, जो इसमें क्या क्या आती है, इसमें सैलरी ऑफ हायर ऑफिसर्स ऑफ ऑफिसर्स, रेंट ऑफ द लैंड, इसके बाद वो कर लेते हैं सेमी फिक्स चार्जेज। सेमी फिक्स चार्जेज है वो भी डज नॉट वेरी विथ ऑपरेशन। इसमें को जो कॉस्टेट आते हैं वो है इंटरेस्ट, जो अपन पैसा कहीं से लेते हैं उसका इंटरेस्ट देते हैं, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन और सैलरी ऑफ इंजीनियर एंड अदर एम्प्लॉइज। फोर्थ है ऑल टाइप टैक्सेज, फिफ्थ है कॉस्ट ड्यू टू स्टार्टिंग एंड शटडाउन। ये सारे चार्जेज सेमी फिक्स चार्जेज में आते हैं। जो रनिंग चार्जेज है रनिंग चार्जेस ये वेरी विथ ऑपरेशन, ऑपरेशन की कैपेसिटी के साथ रनिंग चार्जेस भी अपने बढ़ते
जाते हैं कि अपन पावर प्लांट में कितनी कैपेसिटी से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग चार्जेस होंगे। इसमें आने वाले हैं कॉस्ट ऑफ फ्यूल, वेस्टेज, मेंटेनेंस वेजेस ऑफ लेबर एंड ऑल अदर रॉ मटेरियल। जो भी अपने प्लांट में रॉ मटेरियल आता है वो भी रनिंग चार्जेज में आता है। इस प्रकार पावर प्लांट की जो कॉस्ट है वो अपना स्टडी करता है।